दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपने फोन की बैटरी को लंबे समय तक चला सकते हो। आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नहीं बोलूंगा, बल्कि आपके डिस्प्ले के कुछ सेटिंग को इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, अपने फोन की बैटरी को लंबे समय तक चला सकते हो। अगर आपके भी फोन की बैटरी बहुत जल्दी डाउन होने लगती है तो आप क्या करते हो, प्ले स्टोर पे जाते हो और वहां से आप बैटरी सेवर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हो, जिसके वजह से भी आपके फोन की बैटरी जल्दी यहाँ पे क्या होता है, खत्म होने लगता है, यानी कि आपका बैटरी ज्यादा टाइम तक नहीं चलता है। लेकिन जो मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले की सेटिंग बताने वाला हूँ, उसे अगर आप इस्तेमाल करते हो उसके बाद 100% आपके फोन की बैटरी लंबे समय तक चलने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग भी चाहते हो इस्तेमाल करना या जानना, तो सबसे पहले आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना होगा और एंड तक कंटिन्यू देखते रहना है। आप सोच रहे होंगे कि क्या फोन के डिस्प्ले की सेटिंग से भी हम अपने फोन की बैटरी को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जी हाँ, ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग में जाना होगा। मेन सेटिंग में जैसे ही आप आओगे, यहाँ पे आप लोगों को मिलता है डिस्प्ले करके एक सेटिंग, तो आप लोगों को डिस्प्ले वाले सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही डिस्प्ले वाले सेटिंग पे आप क्लिक करते हो, अब जो पहले नंबर का सेटिंग है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ऊपर आप देखोगे तो आपको दो सेटिंग देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक होता है लाइक और एक होता है डार्क, यानी कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। उसके ही नीचे आपको एक मिलता है डार्क मोड सेटिंग, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है टर्न ऑन एज शेड्यूल्ड, तो इस वाले ऑप्शन को जैसे ही आप ऑन करोगे, यहाँ पे आपको मिलता है सनसेट सनराइज, तो आपको यहां पे इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक रहने देना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप अपने फोन को इस्तेमाल करते हो ना, तो आपके फोन की जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिक ही डिस्प्ले की यहां पे सनसेट या सनराइज के हिसाब से इस्तेमाल होगा। यानी कि अगर सनसेट में आप फोन को इस्तेमाल कर रहे हो तो उसी हिसाब से ब्राइटनेस होगा, डिस्प्ले कंट्रोल होगा, या अगर आप सनराइज पे हो तो उसी हिसाब से यहां पे कंट्रोल होगा। तो ये सेटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ऑन कर देना है। इससे भी आप अपने फोन की बैटरी को लंबे समय तक चला सकते हैं। डिस्प्ले के जो दूसरे नंबर की सेटिंग है, यहीं पे आपको ब्राइटनेस के नीचे ही देखने को मिलता है अडैप्टिव ब्राइटनेस करके, तो इसे ऑन करने से क्या फायदा होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये ऑफ रहता है, इसे ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसे ऑन करोगे तो इससे फायदा क्या होता है, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ये होता है कि जब भी आप अपने फोन को इस्तेमाल करते हो तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे डिस्प्ले के ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। अगर आप कहीं धूप में जा रहे हो तो उसी हिसाब से ब्राइटनेस आता है, अगर आप अंधेरे में आ जाते हो तो उस हिसाब से आपका ब्राइटनेस जो है ऑटोमेटिक ही यहाँ पे बढ़ जाता है। इसके अंदर एक सेंसर होता है जो काम करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी आप अपने फोन को नाइट में अगर यूज कर रहे हो तो उसी हिसाब से एकदम ब्राइटनेस कम हो जाता है, अगर आप डे में फोन को यूज कर रहे हो तो उसी हिसाब से ब्राइटनेस क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको बार बार ब्राइटनेस को कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक ही आपके ब्राइटनेस को यूज करता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इससे भी आप अपने फोन की बैटरी को बचा सकते हो। इसे भी आप लोगों को अपने फोन के अंदर कर लेना है। फोन डिस्प्ले के तीसरे नंबर की जो सेटिंग है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपको मिलता है स्क्रीन टाइम आउट करके एक सेटिंग, जिसपे आप लोगों को क्लिक करना है। कोई कोई क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट 30 मिनट पे सेट करके रखता है। अगर आप 30 मिनट पे सेट करके रखे हो, आप समझ लो नाइट में वीडियोज देख रहे हो या आप फोन को यूज कर रहे हो, वैसे ही आप अगर सो जाते हो या फोन को रख देते हो, क्या होता है पूरी रात यहाँ पे डिस्प्ले ऑन ही रहता है, यानी कि 30 मिनट्स तक डिस्प्ले क्या ऑन रहता है। 30 मिनट के बाद क्या होगा, डिस्प्ले यहां पे बंद होगा, तब तक तो आपके फोन की बैटरी यूज होती रहेगी जब तक डिस्प्ले ऑन रहेगा। या आप कोई काम कर रहे हो उसमें आप अपने फोन को यूज कर रहे थे, ऐसे ही रख दिए टेबल पे और भूल गए डिस्प्ले को ऑफ करना, तभी भी आधे घंटे तक यहां पे डिस्प्ले ऑन रहेगा, जिससे आपके फोन की बैटरी बहुत जल्दी डाउन होती है। तो यहां पे आपको क्या करना है, सिंपली जो 50 सेकंड वाला ऑप्शन है इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। अगर आप 50 सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रखते हो तो क्या होता है, जब भी आप अपने फोन को इस्तेमाल करते हो
टेबल पे रख देते हो या कहीं पे रख देते हो, ऑटोमेटिक ही क्या होएगा यहाँ पे, जैसे तो डिस्प्ले ऑटोमेटिक ही बंद होने लगता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 50 सेकंड वाले ऑप्शन पे रख देना है। अभी हमें वीडियो शूट करना है इसलिए हमने यहाँ पे 10 मिनट वाले ऑप्शन पे कर रखा है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे करोगे, अगर बैटरी बचाना है तो 50 सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रख लेना है। चौथे नंबर का जो सेटिंग है उसके लिए आप लोगों को नीचे आना है, यहाँ पे आपको मिलता है स्क्रीन सेवर करके एक सेटिंग जिसपे आप लोगों को क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फोटोज वाले ऑप्शन पे क्लिक होता है तो यहाँ से कोई भी फोटोज को चूज कर लेता है यहाँ पे। अब ये काम क्या करता है, जैसे ही आप अपने फोन को ऑफ करते हो, ऑफ करके यहाँ पे जो होता है ना फोटो शो करता है, स्क्रीन ऑफ रहता है फिर भी यहाँ पे हमने फोटो सिलेक्ट नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे फोटो शो करता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली आप पासवर्ड पहले डाल लेते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर फोटोज आपने सेट कर रखा है ना तो आपको क्या करना है, फोटो वगैरह सेट नहीं करना है, सेटिंग में जाके आप यहाँ से फोटो वगैरह सेट कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे जो नॉन वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पे ही क्लिक रहने देना है। इस पे अगर आप क्लिक रहने दोगे तो क्या फायदा होता है कि ना ही आप कोई यहाँ पे फोटो सेट कर पाओगे, ना ही आप जब स्क्रीन ऑफ करोगे कुछ शो करेगा वहां पे। इससे भी आप अपने फोन की बैटरी को बचा सकते हो क्योंकि जो फोटोज वगैरह वहां पे शो होता है डिस्प्ले ऑफ होने के बाद भी तो वो आपके फोन के बैटरी को इस्तेमाल करता है तभी वहां पे शो होता है। तो यहां पे अगर बैटरी को बचाना है तो इस सेटिंग को ऑफ तो करना होगा, तो इसे भी आप लोगों को यहां पे नॉन वाले ऑप्शन पे सेट कर देना है। डिस्प्ले के ये चार सेटिंग को यूज करके आप अपने फोन की बैटरी को लंबे समय तक चला सकते हो। अगर आप सभी लोगों को ये सेटिंग पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक तो बनता है, लाइक कर देना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियोज आपको डेली हमारे इस चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।